हाय एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और आज के वीडियो में हम आप सभी के लिए लेके आए हैं सेट के एग्जाम से जुड़ा हुआ एक बहुत ही लेटेस्ट न्यूज अपडेट लेकर, जो कि एक बहुत ही फेमस स्टेट से देखा जाए तो ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है 2024 के लिए। आप सभी को ऑलरेडी पता होगा कि सेट का एग्जाम यानी स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, राज्य पात्रता परीक्षा, राज्य सरकार के अंतर्गत संचालित होने वाले हायर एजुकेशन या उच्च शिक्षण संस्थानों में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एक पात्रता परीक्षा होता है, जैसे नेट का एग्जाम होता है। तो आपके लिए बहुत ही देखा जाए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और इसके लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जो चल रही है, तो लास्ट डेट उसके लिए रखा गया है 20 मार्च 2024। और यहाँ पे 30 सब्जेक्ट्स में ये परीक्षा आयोजित होगी, और जिसके लिए परीक्षा का प्रस्तावित डेट है आपका 28 अप्रैल 2024। तो चलिए आपको लेके चलते हैं नोटिफिकेशन के ऊपर, ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, और वहाँ पे चल के हर चीज़ें डिस्कस होंगी आपके साथ। तो ये है आपका, देखा जाए तो आंध्र प्रदेश स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी एपी सेट। तो आंध्र प्रदेश से देखा जाए सेट के एग्जाम का नोटिफिकेशन आउट हुआ है, और इसके लिए एलिजिबिलिटी जो मांगी गई है, आप सभी को पता होगा कि जनरल कैटेगरी के लिए 55% के साथ मास्टर होना चाहिए, अगर रिजर्व कैटेगरी से हैं तो 45% के साथ मास्टर होना चाहिए, तब जाके आप स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट में देखा जाए आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें कि जो लास्ट डेट है विदाउट लेट फीस, वो 6 मार्च तक आप 2024 तक आवेदन कर सकते हैं, एंड लेट फीस के साथ आप 30 मार्च 2024 तक देखा जाए आवेदन कर सकते हैं। आपका एडमिट कार्ड 19 अप्रैल को जारी होगा, 19 अप्रैल 2024 को। एंड एडमिट कार्ड के बाद आपका जो एग्जाम होगा वो अभी प्रस्तावित है 28 अप्रैल 2024, ये आपको याद रखना है। एप्लीकेशन फीस के बारे में अभी थोड़ा सा आपको बता देते हैं। एप्लीकेशन जो फी है वो 1200 रुपये है, 1200 रुपीज़ है जनरल कैटेगरी के लिए, EWS के लिए। BC बैकवर्ड क्लास के लिए देखा जाए तो 1000 फीस रखी गई है, एंड SC ST PWD के लिए जो बताया गया है कि फ़ी आपका 700 है, ठीक है, 700 रुपये है। और साथ में आपको बता दें एग्ज़ाम का जो पैटर्न होने वाला है, यहाँ पे टोटल 3 आवर्स का एग्ज़ाम होगा, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे फर्स्ट पेपर में देखा जाए तो 50 क्वेश्चन होंगे जो कि 1 आवर का एग्ज़ाम होगा, एंड सेकेंड पेपर में 100 क्वेश्चन होंगे जो कि 2 आवर का एग्ज़ाम होगा। तो टोटल 150 क्वेश्चन रहेंगे और 3 आवर का एग्ज़ाम होगा। और आपका देखा जाए तो यहाँ पे 2 पेपर ऑलरेडी होंगे, और आपको बता दें इंग्लिश और आपका तेलुगु में एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, लैंग्वेज यही है। तो पेपर 1 में जो देखा जाए क्वेश्चन होंगे इंग्लिश एंड तेलुगु से संबंधित रहेंगे, एंड पेपर 2 में जो क्वेश्चन होंगे वो तो आपके सब्जेक्ट से संबंधित रहेगा। सिलेबस के देखा जाए बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट पर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट आपका देखिए यहाँ पे apset.net.in है, जो कि आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, डायरेक्ट आप जाके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आपको बता दें सब्जेक्ट 30 है, और किस किस सब्जेक्ट में कितने देखा जाए यहाँ पे आयोजन होने वाला है नेट सेट के एग्जाम का, उसके बारे में आपको डिटेल हम देने वाले हैं। उसके पहले आपको बता दें 40% मार्क्स मिनिमम लाना है क्वालिफाई करने के लिए ये एग्ज़ाम जनरल कैटेगरी के लिए, तभी जाके आप मेरिट लिस्ट में सेलेक्ट हो पाएंगे। एंड अदर कैटेगरी से हैं 35% आपको मार्क्स मिनिमम लाना है, तभी जाके आप देखा जाए मेरिट लिस्ट में आपका देखा जाए तो नाम आ सकता है। तो यहाँ पे आपको बताएं क्राइटेरिया जो सिलेक्शन का है, वो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जिस सब्जेक्ट में बैठेंगे उस सब्जेक्ट में 6% लोग का हायर जो लेवल के रहेंगे मार्क्स में, उनका चयन होगा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, यानी कि सेट के एग्जाम के में वो क्वालिफाई हो जाएंगे। अब चलते हैं, आपको बताते हैं कि किस किस सब्जेक्ट्स में यहाँ पे सेट के एग्जाम का आयोजन हो रहा है। यहाँ पे आपका एपी सेट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, एक बार जरूर इस पर ध्यान दीजिएगा इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। अब चलते हैं आपके सब्जेक्ट के ऊपर। तो यहाँ पे 30 सब्जेक्ट में देखेंगे, एंथ्रोपोलॉजी है, हिस्ट्री है, केमिकल साइंस है, कॉमर्स है, कंप्यूटर साइंस है, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, अर्थ साइंस, ओशियन आपका एंड प्लानिटरी साइंस है, इन्वायरमेंटल साइंस है, ज्योग्राफी है, हिंदी है, आपका जर्नलिज्म है, लॉ है, लाइफ साइंस है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस है, मैनेजमेंट है, मैथमेटिक्स साइंस है, फिजिकल साइंस है आपका, फिजिकल एजुकेशन है, फिलोसफी है, पोलिटिकल साइंस है, साइकोलॉजी, संस्कृत है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, सोशियोलॉजी, सोशल वर्क, तेलुगू, उर्दू, विजुअल आर्ट, ठीक है। तो ये आपके सब्जेक्ट्स हैं जो कि सेट के एग्जाम में इस सब्जेक्ट में देखा जाए तो आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद कोई भी आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लेना है कमेंट कर सकते हैं। और जब तक कि नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट नहीं लाते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशनल चैनल, और आप सभी का दिन बहुत बहुत शुभ हो।